नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सूर्यविक न्यूज़। एक समय था जब राजगुरु मार्केट बंद था या कोई भी हरियाणा का जो है बाजार बंद था। उसके बाद समय दिया गया, समय 12 बजे तक का, लेकिन दुकानें 1:30-2 बजे तक खुली दिखी। उसके बाद फिर से समय बढ़ा दिया गया, समय 3 बजे का हुआ, लेकिन दुकानें 4:30-4 बजे तक भी खुली हुई दिखाई दी। फिर भी जो है व्यापारी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और समय बढ़ा दीजिए। तो हरियाणा सरकार ने समय 3 बजे से बढ़ा करके सीधा सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक कर दिया, मगर व्यापारी जो है हिसार शहर के अभी भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी भी 6:30 बजे के तकरीब भी जो है ढेर सारी दुकानें देखेंगे आप की खुली हुई है। और पूरे राजगुरु मार्केट का दौरा जो है मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कौन सी दुकान जो है इस पूरी मार्केट के अंदर खुली हुई है। ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शूज, मास्क सब कुछ खुला हुआ है और बहुत सारी दुकानें तो मेरे आगे ही बंद हुई हैं। हालांकि दुकानदारों को अगर आप देखेंगे तो शटर भी जो है अभी भी मेरे सामने ही बंद कर रहे हैं। हिसार के राजगुरु मार्केट का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए शूज़ की दुकान है जो कि खुली हुई है। और ये देखिए एक और शूज़ की दुकान है जो कि फ़िलहाल खुली है। ये फिर एक शूज़ की दुकान खुली है, हालांकि जो है बाजार में ही अभी तक दिखाई दे रहे होंगे आपको सभी के सभी। ये देखिए अभी जो है इनको लॉक कर रहे हैं 6:30 बजे। ये सामने एक कपड़े घूंघट साड़ीज के नाम से आप देख रहे होंगे, ये दुकान भी खुली हुई है। ढेर सारी दुकानें हैं 6:30 बजे खुली हुई हैं। हालांकि जो है खाद्य सामग्री की जो दुकानें हैं उनको लेकर के हम समझ सकते हैं, मगर कुछ एक दुकानें जो हैं अभी भी खुली नज़र आपको आ जाएंगी। बीच में एक दुकान और हाँ, और अगर बात करें ज़्यादातर ये देखिए कपड़े की दुकानें हैं खुली हुई हैं। साढ़े छः बजे हो गए हैं भैया, अब तक क्यों नहीं बढ़ाई है? पर्स चोरी हुआ है। ओके, भाई चोरी की वारदातें तो ये देखिए सामने शटर आपको बढ़ाते हुए दिखे जाएंगे कि 6:30 बजे के बाद जो है ये दुकानदारों को याद आया है कि भाई समय 6 बजे का था दुकानें बढ़ाने का। और इसमें भी आप देख लेंगे कि ज़्यादातर जो है शटर के सामने ही अभी खड़े हैं और कुछ तो अभी बढ़ा ही रहे हैं शटर्स को, यानी कि सरकार मन चाहे कि जितना समय बढ़ा दें मगर इन्हें 1 घंटा ज़्यादा लगाना ही है। ये देखिए हर एक दुकान को खुली हुई दुकानें हैं, 6 बजे के बाद का समय है। ये सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी बिश्नोई मार्केट ही जो है खुली हुई है। तो भाई ये देखिए कि अब जाकर जो है दुकानदारों को याद आ रहा है, टाइम लगता है। मैडम अजय सिंह सैनी जी बोल रहे हैं सर 60% से 70% दुकानों पर है ना कस्टमर नहीं है, और पहले 10 मिनट तक खड़ी हुई हूँ मैं मार्केट में और देखा है कि भाई कहाँ कस्टमर है कहाँ नहीं है, बस एक लापरवाही के चलते जो है दुकानें खुली हैं। आज समय लगता है तो 5:30 से 6 बजे तक का भी लिया जा सकता है। आप लोगों ने कहा था जब 12 बजे का समय था कि आप लोगों के लिए टाइम कम है, जब हम आपके पाले में खड़े हुए नज़र आए थे, उसके बाद जब समय को 3 बजे तक बढ़ाया गया तो भी हमने सख्ती नहीं की थी, तो भी हमने दिखाया इतना नहीं था, मगर 6 बजे के बाद तो जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को भी सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बिल्कुल बड़े मॉल तो खुले हैं और मैं खुद जो है इस बात का विरोध करती हूँ कि बड़े मॉल जो हैं नहीं खुलने चाहिए। मैं तो हमेशा ये बोलती हुई नज़र आती हूँ कि बड़े मॉल्स नहीं खुलने चाहिए। अजय सैनी है अक्सर जो है इनका इंटरव्यू लेते हुए नज़र आ जाती हूँ मैं। हिसार राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान हैं अजय जी, चिंता ना कीजिए। राजगुरु मार्केट 6 बजे के बाद खुली है वो दिखा रही हूँ,
लेकिन 8 बजे तक जो शॉपिंग मॉल्स खुले हैं ना, उसका विरोध तो मैं इससे भी ज़्यादा करती हूँ। क्यों खुले होने चाहिए? रिलायंस फ्रेश तक पर भी मैंने सवाल उठाए हैं और उठाती भी रहूँगी। खैर, ये अपडेट यहीं तक, आगे भी अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।